रतलाम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का पांचवा दिन आज पूरे उत्साह और जनसमर्थन के साथ गुजरा। यात्रा के सभी सात क्षेत्रों में जनसमूहों का संगठन हो रहा है और कांग्रेस नेतृत्व उत्साहित है। यात्रा का पांचवा दिन रतलाम जिले से गुजरता है, जिसमें कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी नेतृत्व कर रहे हैं। रतलाम में पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना कार्यक्रमों के रैंप बनाने में 40 करोड़ रुपए फूंक डाले। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बीती रात आलोट से रतलाम जिले में प्रवेश करते हुए रतलाम शहर पहुंची। इसके परे यात्रा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरी। यात्रा रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में सैलाना में प्रवेश होते ही विधायक हर्ष विजय गहलोत हजारों लोगों के साथ यात्रा में शामिल हुए। सैलाना में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए कहा, बड़े बड़े पंडाल लगाकर फैशन शो की तरह लंबे रैंप बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हाथ में माइक लेकर रैंप पर चलकर भाषण देते हैं। विधानसभा में मेरे प्रश्न के जवाब में लाडली बहन के 13 कार्यक्रमों में 40 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दी गई है। 13 कार्यक्रमों में ही इन्होंने 40 करोड़ रुपए फूंक दिए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जनसमूह देखकर यकीन हो गया कि भाजपा सरकार की तानाशाही से जनवरी परेशान हो चुका है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश परिवर्तनमय है, अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य साफ है, नजरों में मंजिल का एहसास है, इस बार तीर निशाने पर ही जाएगा, मध्य प्रदेश को कांग्रेस पर विश्वास है। रतलाम ग्रामीण के परिवारजनों का धन्यवाद। जन आक्रोश यात्रा का यह जनसैलाब साक्षी है कांग्रेस के समर्थन का और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की विदाई का। यही कारण है कि किसानों की लागत कैसे घटे इस पे हमने प्रोग्राम बना रखा है। यही कारण है कि किसानों की हमारी बेटियों को बहनों को हम 1500 रुपए देना चाहते हैं। तब भी मीडिया वाले सवाल करते हैं, बीजेपी वाले भी सवाल उठाते हैं कि आप लाडली बहना को लेकर तो आप इतने सवाल करते हो और नारी सम्मान जो कांग्रेस की योजना है उसका बखान करते हो। पत्रकार बंधुओं, हम आती हुई सरकार आने से पहले कह रहे हैं कि हम देंगे। शिवराज जी जाती हुई सरकार है, जाने से पहले कह रहा मैं दूंगा। अंतर को समझो, अंतर को समझो। मैं मानता हूं आप सबने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि इस बार कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार बनानी है। करा कि नहीं करा? अरे करा कि नहीं करा? मैं मानता हूं कि हरदीप दंग ने भी जो अपने आप को बदला था, मैं इसलिए उसको ये नहीं कहता था कि अपने आप को बेचा था, ये